الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ये आयत नंबर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 है. उससे पहले आयत नंबर 18 में गुज़िश्ता इतवार जो आयत मुबारक तिलावत की गई, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही के ताल्लुक से सबसे बड़ी गवाही अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, अल्लाह की गवाही, उसके फ़रिश्तों की गवाही और उलमा की गवाही. तो ये सबसे बड़ी गवाही भी है. और ऐसी आयात हैं शहीद अल्लाह से लेकर के अल हकीम तक, यानी पूरी आयत नंबर 18 के, जिसकी बड़ी फजीलतें भी आई हैं. एक हदीस में, एक रिवायत में ही आता है कि शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु से लेकर अल हकीम तक ये पढ़ लें. इसके अलावा अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, आगे एक और आयत आएगी, कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, आयत नंबर 26. तो इसे 26 और 27 मिलाकर दो आयत पढ़ लें. और उसके अलावा आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें. इतना बंदा रोज़ाना रात में पढ़कर सोए तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के लिए 70,000 फरिश्ते मुतय्यन फरमाता है जो उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं. अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए, यानी ये इन आयतों को नजात का ज़रिया बनाता है. ये ऐसी आयतें हैं कि बंदे के उखरवी नजात का ज़रिया, जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया. और अल्लाह इसके ज़रिए, इन आयतों के ज़रिए से बंदे को नूर अता फरमाता है. इसी तरह से एक रिवायत में ये भी है कि शहीद अल्लाह की जो आयत है, आयत नंबर 18, इसे जो भी बंदा रोज़ाना सुबह पढ़ लिया करे, रोज़ाना सुबह या हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लिया करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुतय्यन फरमाएगा जो क़यामत तक उसके लिए मगफ़रत तलब करते रहेंगे. तो बड़ी फजीलत वाली ये आयत है जो अल्लाह की गवाही, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देती है. इस पर तफसीर हमने गुज़िश्ता इतवार में कर दी थी. आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी वहदानियत और अपनी तौहीद का ज़िक्र फरमाया तो तौहीद के बाद अल्लाह फरमाता है, इन्नद दीन इंद अल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ इस्लाम है. दीन तो सिर्फ इस्लाम ही है अल्लाह के नज़दीक. ये आयत मुबारक का जो शान नुज़ूल है, ये और इसके आगे भी है, वमख्तलफ़ अल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअतहुम, बहरहाल इनका आयत शान नुज़ूल ये है कि यहूद व नसारा ने, भाई ये इस्लाम जो है, इस्लाम जो भी अल्लाह ने जो दीन मुतय्यन फरमाया वो इस्लाम है, चाहे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हों, चाहे नूह अलैहिस्सलाम के हों, हज़रत इब्राहिम के मानने वाले हों, हज़रत मूसा ईसा के मानने वाले, उनके दीन का नाम दीन इस्लाम है और अल्लाह का पसंदीदा दीन भी दीन इस्लाम ही है. लेकिन यहूद व नसारा ने अपने अपने नाम बदल लिए. यहूदियों ने अपने बाप दादा के नाम पर, इनके यानी आबा अजदाद में यहूदा नाम था, हज़रत याकूब के भाइयों में, हज़रत इसहाक की औलादों में एक का नाम यहूदा था, तो उन्हीं की औलादों में से चले आ रहे थे. तो उन्होंने अपने एक बाप के नाम पर, एक यानी कि आबा अजदाद में से एक के नाम पर अपना नाम यहूदी कर दिया. और नसरानियों ने अपने आप को नसारा कहा. नासिरा इनका शहर था, इनका वतन था नासिरा गांव, तो उसकी तरफ नस्बत करते हुए उन्होंने अपने आप को नासिरा से नसारा कर दिया, नसरानी कर दिया, नासिरा का रहने वाला नसरानी. तो इन्होंने अपने दीन का नाम नसरानी कर दिया. अल्लाह फरमाता है, अल्लाह को तो दीन इस्लाम ही पसंद है. और फिर इन्होंने अपने सिर्फ नाम ही नहीं बदले, इन्होंने अपनी शरीयतों को भी बदल दिया, अपने दीन में भी तहरीफ कर दी, अहकामात को बदल दिया. यानी ऐसे अहकामात इन्होंने तब्दील किए हैं इस अंदाज़ में कि चूँकि आज तो ये देखें हमारे यहाँ कितना आम है
कि हर वो बंदा जो इल्म हासिल करना चाहे वो इल्म हासिल कर सकता है, या इल्म हासिल ना भी करना चाहे लेकिन मालूमात हासिल करना चाहे किसी मसले के बारे में तो मालूमात हासिल कर सकता है। वो किताबें पढ़कर भी, अगर यानी अरबी में नहीं आती तो इंग्लिश में पढ़ ले और किसी लैंग्वेज में पढ़ ले, या किसी आलिम से एक से पूछा, दो से, तीन से पूछा, जो भी हकीकत है और मैं आपके सामने बहरहाल उसे बयान करेंगे। अब किस तीनों ने अलग अलग बयान किया तो फिर आप अपने दिमाग को लगाएंगे कि भाई बात हकीकत सच्ची क्या है, ये भी मुमकिन है। बहरहाल तो आज तो आम हो गया और हर कोई जो है अपने कुरान के, अब आप कुरान का तर्जमा ख़ुद पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसी तरह अहादीस के भी तराजम निकल आए हैं, तर्जमे हुए हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल हालांकि इसमें एक यानी पॉइंट की और नोट करने वाली बात यह है कि कभी भी आप जो है अहादीस का तर्जमा अगर पढ़ें, शौक़ होता है आदमी को कि मैं पढ़ूँ कि भाई सरकार की हदीसें हैं तो पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि वो किसी की यानी कि गाइडिंग में आप पढ़ें, आप किसी को गार्जियन बनाएं और उसकी गाइडिंग में आप अगर हदीस पढ़ेंगे तब तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर ऐसे ही आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर आप गुमराह भी हो सकते हैं, आप भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग कि जो सिर्फ कुरान का तर्जमा और हदीसों का तर्जमा जिन्होंने पढ़ा वो आज भटक गए, वो गुमराह हो गए, उन्हें समझ ही में नहीं आता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस बयान की गई है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लिए हैं, कब की है, कैसी है, बहुत से मुख्तलिफ उसके यानी कि हालात होते हैं। वो सारी बातें पहले जाने बंदा और फिर उसके बाद उस पर यानी कि वो अमल करें या उस पर हुक्म लगाए, उसे माने। तो बहरहाल ये एक यानी कि आज तो हमारे लिए सबके लिए बिल्कुल सामने है, किताबुल्लाह सामने है, आपने अरबी सीख ली तो कुरान को अरबी में खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन यहूद और नसारा, और ख़ास तौर पर यहूद, नसारानियों में तो इतना ज़्यादा रहा ही नहीं, लेकिन यहूदियों का एक तवील लम्बा ज़माना था जिसमें वो अपनी तौरात को पढ़ते आए, तो ये तौरात सिर्फ वही जान जो आलिम होता था बस उसी को पता होता था कि तौरात में क्या लिखा है, और किसी को पता नहीं। तौरात में क्या लिखा है वो सिर्फ आलिम को पता और किसी को नहीं पता, आम आवाम को तो बिल्कुल हवा भी नहीं गुजरती थी कि तौरात में लिखा क्या है। जब भी कोई बात होती वो पहुँच जाते आलिम के पास, भाई ये बताओ, तो वो बताता, जैसा बता भाई ये हुक्म है, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, तो बस उसी पर हुक्म चल जाता बंदे का। तो किताब आलिम यानी लोगों के पास थी भी नहीं, सिर्फ आलिमों के पास होती, वो भी वो छुपा कर रखते हैं, और सिर्फ उन्हीं को पता होता उसमें क्या लिखा है, आवाम को तो पता भी नहीं होता है ना। आज तो पता करवाया जा रहा है कि भाई सुनो कि कुरान में, तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी लोग जानने के लिए हाँ इतना कोई शौक़ नहीं है, होगा कुछ होगा। हम तो अगर सिर्फ यासीन शरीफ पढ़ना भी सीख जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग आजकल ये समझ के बैठे कि आजकल तो यासीन शरीफ भी अगर पढ़ना सीख गए ना तो मुर्दे दफन, वो मुर्दे जो है सवाब पहुंचाने के लिए काम आ जाएगा, इतना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत है। तो बहरहाल ये यानी कि उस ज़माने का हाल ये था। अब उनका यानी आलिमों का हाल क्या होता है, यहूदी उलमा का हाल ये है कि वो कोई बंदा आया, गरीब बंदा है, बिल्कुल गरीब है, उसे कोई रुपया पैसा वो दे नहीं सकता, देख लिया भाई हालत ख़राब, तो उससे पूछा भाई ऐसा हो गया, या लोग पकड़ कर लाए कि भेजते हैं ये जुर्म किया, क्या करना है, तो जो सज़ा होती कहते ये सज़ा दी जाए, हाथ काटा जाए, या जो भी सज़ा होती वो सज़ा उससे दिलवाई जाती कि भाई ये सज़ा इसे दी जाए। और जब कभी कोई यानी कि मालदार, कोई बादशाह या शहज़ादा, बादशाह का लड़का या ऐसा कोई अमीर आदमी, उससे अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाता और उसकी बात आती कि भाई उसने ये गुनाह किया, तो अब वो डील करते, आ जा, हाँ हाँ खून यानी कि कोने में आ जा, तन्हाई में आ जा, अकेले में आ जा, अब फिर उससे डील होती, भाई देखिए ये है सज़ा, बोल क्या बोलता है, तो भाई यार कुछ तो रास्ता निकालो। आजकल भी होता है ना, तलाक, तीन तलाक देने के बाद आते हैं कि मौलाना कुछ तो रास्ता निकालो, लेकिन वो मौलाना अड़ा रहता है कि नहीं कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन यहाँ तो वो अलमा सामने से कहते हैं भाई बोल क्या बोलता है, हाँ ये सज़ा है कबूल, तो कहता है कोई रास्ता निकालो, कहा ठीक है तो फिर डील, हाँ बोलो क्या, कहा भाई इतना हज़ार दे दे, इतना लाख दे दे तो मैं तेरी सज़ा कम कर दूँ, कहा ठीक है मंजूर, डील पक्की। तो अब वो रुपया पैसा दे देता बंदे को,
तो ये भाई ये कहता कि भाई इसको तो बस यानी कि वो जाए और जाकर ये तौबा कर ले या ये दुआ पढ़ ले, हो गया माफ़ है। अब इसके लिए माफ़ करवा दिया कि बस ये यानी तौबा कर ले तो माफ़। और वो जो गरीब आया था जो कुछ नहीं दे सकता था उसके लिए माफ़ नहीं, उसको सज़ा जो किताबुल्लाह में लिखी गई वो दिलवाई गई। तो ये उनका मेयार था, ये उनके हालात थे, है ना। और इसीलिए वो वाक़या ना बड़ा मशहूर कि एक यहूदी और एक मुनाफिक का, बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन था मुनाफिक, तो उसका झगड़ा हो गया आपस में। अब ये मुनाफिक जो है वो ये कहता है कि चलो तुम्हारा जो बड़ा आलिम है ना काब इब्न अशरफ, तुम्हारा सरदार, हम उसके पास जाते फैसला करवाने के लिए। वो यहूदी कहता है नहीं नहीं वानी, चलो तुम्हारे नबी के पास जाते हैं, तुम्हारे नबी। इसलिए कि वो मुनाफिक है उसे भी पता है, उसे भी पता है कि ये रिश्वत खाकर मान जाएगा, और यहूदी को भी पता है कि वो ठीक है उसे लोग सरदार मानते बड़ा, लेकिन ये तो सब रिश्वतखोर लोग हैं, रिश्वत खाकर जो है ये फैसला इसके हक में कर देंगे, मुझे वहाँ नहीं जाना। इनका नबी बड़ा सच्चा नबी है, इनके नबी बड़े सच्चे हैं, वो कभी ना रिश्वत लेंगे ना कोई यानी कि धोखा करेंगे ना झूठ बोलेंगे, और बिल्कुल जो हक फैसला होगा वही करेंगे। उस यहूदी को अभी इस्लाम नहीं है लेकिन यहूदी को यकीन है कि हाँ फैसला अगर सच्चा फैसला होगा तो नबी की बारगाह में। कहा नहीं चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं। कहा नहीं नहीं अपने काब अशरफ के पास चलते, काब इब्न अशरफ के पास। यहूदी कहता है नहीं मैं तो तुम्हारे नबी से, तुम मुसलमान हो कि नहीं, अब ये यानी ताना मार रहा है, तुम मुसलमान हो कि नहीं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं मुसलमान, अब जाहिर में तो कहना ही है ना कि मुसलमान हूँ। कहा बिल्कुल मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान हो तो तुम्हारे नबी से मैं फैसला करवा रहा हूँ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ फिर भी तुम्हारे नबी के पास ले जा रहा हूँ। चलो अब उसे शर्मा शर्मी में जाना पड़ा हुजूर के पास कि चलो भाई अब तो इस यानी मुसलमान के नाम का एक वास्ता आ गया। तो बहरहाल गए, सरकार ने दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद फिर सरकार ने यहूदी के हक में फैसला फरमाया कि भाई यहूदी हक पर है, ये सही है। तो अब ये निकला तो कहता है मुनाफिक कहता है एक काम करते हैं अपने उमर के पास चलते हैं। उमर है तो उमर के पास चलो। क्या तुम्हारे नबी ने फैसला दिया? ठीक है दिया, लेकिन मुझे इतना नहीं यानी इत्मीनान नहीं है, मुझे दिल में इत्मीनान नहीं। तो चलो उमर के पास चलते हैं। अब यहूदी जब सरकार से फैसला करवा चुका है ना तो बिल्कुल एकदम ऐसे आराम में आ गया है, अब कोई मसला नहीं, अब दुनिया की कोई ताकत मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करेगी। कहा चलो ठीक है उमर के पास चलो। अब हते उमर के पास पहुँचे, अब मुनाफिक ये सोच रहा है कि उमर तो जलाल ही है, जलाल वाले, और जैसे ही देखेंगे कि मुसलमान और यहूदी का झगड़ा हुआ है तो मुसलमान के नाम पर ही फैसला देंगे। उसे अभी नहीं पता वो फारूक हैं, वो आदि अदलो इंसाफ वाले हैं। हाँ तो कहते वो तो मुसलमान का नाम सुनकर ही मुसलमान के हक में फैसला दे देंगे तो इसका तो पत्ता कट जाएगा। तो ले गया, लेकिन यहूदी भी चालाक निकला, पहुँचे दोनों का ये मामला लेकर आए हैं, हमारे दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया तो आप फैसला करें। तो यहूदी कहता और हम आपके नबी के पास भी जाकर आएँ, उन्होंने मेरे बारे में फ़ैसला दिया था, लेकिन इसने कहा कि नहीं हत उमर से करवाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपके पास ले आया हूँ। वहाँ जाकर आए, कहाँ जाकर आए वहाँ, उन्होंने तुम्हारे बारे में फ़ैसला दिया। यहूदी ने कहा मेरे बारे में फ़ैसला दिया कि मैं हक पर हूँ, लेकिन इसको अभी इत्मीनान नहीं हुआ इसलिए आपके पास ले आया, तो आप ही फैसला कर दीजिए। हाँ तो मैंने कहा ठीक है रुको मैं अभी फ़ैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसकी गर्दन, मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। भाई सरकार ने फैसला कर दिया तो फिर उसके बाद उस फैसले को न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और न मानना तो दूर है ना, दिल में वसवसा भी ना आए, वसवसा भी नहीं आना चाहिए कि यार कैसा कैसा यार, ये मुंह भी ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कह दिया ऐसे हंसकर बिल्कुल सच फरमाया, बिल्कुल हक फरमाया, जो फैसला किया सही किया, ये होना चाहिए। यानी आपका जो रवैया है, आपका एटीट्यूड है ना सरकार की बारगाह में, वो ये होना चाहिए कि हुजूर ने कह दिया बात सही है, उसके आगे कोई बात नहीं, अगरचे वो आपके कत्ल का हुक्म दें कि भाई तुमने किया तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तब भी मुंह ना बिगाड़ें, नहीं फिर हंसकर मुस्कुराकर या रसूलल्लाह आपका फैसला तो फिर मुझे कबूल है, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ, ये बात है। तो बहरहाल ये अपनी शरीयतों में इस तरह से तहरीफ कर देते थे, इस तरह से बदल देते थे। और फिर अब जब यानी कि पहले तो ये जो है ना वहाँ यानी यहूदी औलमा जो थे वो खुलकर लोगों में दावत आम किया करते थे, लोगों को तालीम देते थे आखिरी नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी पैदा होंगे है ना, हज़रत ईसा के बाद
आखिरी, यानी वो हत ईसा को तो मानते ही नहीं थे, लेकिन बस इतना था कि हमारी किताबों में लिखा आखिरी नबी आएंगे, उनकी सारी निशानी और अलामतें भी मौजूद, तो उलमा जानते थे कि क्या अलामतें और क्या निशानी हैं, और लोगों को इतना बताते थे कि आने वाले हैं, आने वाले हैं। अब जब आ गए, अब इनका इंतज़ार ये था कि वो बनू इसराइल में से आएंगे, हमारी नस्ल में से आएंगे, है ना। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि एक, यानी कि किसी कम्युनिटी को ये उम्मीद हो कि हमारा आएगा, हमारा आदमी आएगा, हमारा आदमी आएगा, और किसी और में आ जाए तो वो कम्युनिटी जो है वो, अरे यार हमारे, मिसाल के तौर पर अभी वो बंदा गुजरात का जो था प्रधानमंत्री, है ना, उसे हटा दिया, या हटा नहीं, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, है ना। और उसके बाद जो है अब ये था कि किसे बना रहे हैं, सीएम कौन बनेगा, तो अब ये सीएम की दौड़ में बहुत से नाम चमक रहे थे, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये दो सबसे आगे चल रहे हैं, इनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं कि ये बनेंगे वो बनेंगे, ये जितनों की बातें हो रही थी एक भी नहीं बना, ये तीसरा ही बन गया, है ना, कोई दूसरा ही बन गया। तो कहने की बात ये कि अब वो दूसरे जो सोच रहे थे अपनी अपनी कम्युनिटी के कि हमारा आएगा, हमारा आएगा, आया कोई और, तो अब उन्हें यहाँ अफसोस हो गया, यार हमारे आदमी को नहीं किया। तो यहाँ भी एक, यानी हसद और जलन पैदा हुई कि हम तो इंतज़ार कर रहे थे बनू इसराइल में आएगा, लेकिन वो तो बनू इसराइल में नहीं आए, वो तो बनू इस्माइल में आ गए, बनू इस्माइल में, कुरैश में आ गए। अब जो वो उलमा ए क़ायमा बिलक़िस्त थे ना, जो अदल इंसाफ वाले उलमा, जो हक़ जानने वाले उलमा और हक़ बात बोलने वाले उलमा थे, उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बहुत से वो थे कि जिनके, जिन्होंने देख लिया कि यार नबी और रसूल तो वहाँ पैदा हो गए हैं, सारी अलामतें देख ली, सारी निशानियाँ और उनमें हैं, और वो कुरैश में पैदा हुए, तो कहते हैं अब अगर हमने लोगों को बता दिया, यहूदियों को, नसरानियों को हमने बता दिया कि ये आखिरी नबी जो आने वाले थे वो आ गए, और वो ये हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारी दुकानें तो बंद ही हो जाएगी ना, फिर हमारे पास आएगा कौन, फिर तो सब वहाँ भागेंगे, और फिर एक भी आलिम की ज़रूरत नहीं होगी, सारे लोग हुजूर की बारगाह में हाज़िर होंगे, जो भी मसला होगा, जो भी ज़रूरत होगी, जो भी परेशानी होगी, हुजूर की बारगाह में, हमारे पास तो कोई आएगा नहीं, तो हमारी तो दुकान, सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। हाँ, तो इन्होंने ये किया कि वो चैप्टर ही छुपा दिया। अब लोग कहते हैं, यानी लोग आकर पूछते, भाई इतना चर्चा हो रहा है, इतना नाम हो रहा है, इतने लोग मुसलमान हो रहे हैं, तो आते उलमा को पूछते, आप क्या कहते हो, ये नबुवत का दावा किया तो यही है जो आखिरी आने वाले, यही है? वो कहते नहीं, ये नहीं है, वो जो निशानियाँ हमारी किताबों में है ना, वो इनमें नहीं पाई जाती, हालांकि दिल कह रहा है कि पाई जाती है, वो किताब में पढ़ा है, वो दिमाग कह रहा है कि हाँ पाई जाती है, लेकिन ज़ुबान कहती नहीं, वो निशानियाँ उनके अंदर नहीं पाई जाती, वो ऐसे नहीं होंगे, उनकी निशानियाँ कुछ और हैं, लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं कि वो निशानियाँ क्या हैं, अगर पता होती तो लोग खुद ही मान जाते, लेकिन इनको पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो अब इन्हीं से पूछ रहे हैं कि आप कहो, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो, अब ये छुपा दी, निशानियाँ छुपा दी, कह रहे ऐसे नहीं, वो तो इनकी निशानियाँ अलग है, ये नहीं है। तो इन्होंने इस तरह की तहरीफ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस दीन को बदल देने को, बहुत सी हलाल चीज़ों को हराम कर दिया, हराम को हलाल कर दिया, ये सारे यहूद व नसारा के दरमियान मसाइल थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तौहीद, सिर्फ तौहीद, अल्लाह को एक मानना, ये तो बहुत से दीन वाले मानते हैं, आपने सुना होगा गौतम बुद्ध ने भी एक अल्लाह को माना, अल्लाह नाम को नहीं माना लेकिन एक माबूद को माना, यानी वो भी निकला था एक खुदा की तलाश में, है ना। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक खुदा की तलाश में निकले, अब उनको मिला नहीं मिला वो हमारी बहस नहीं, हमको पता नहीं कि उनको मिला कि नहीं मिला, हाँ, लेकिन जो खुदा की तलाश में निकले थे उन्हीं को खुदा बना दिया गया, जो खुदा की तलाश में निकले थे उन्हीं को खुदा बना दिया गया, हालांकि वो खुद निकले थे, यानी गौतम बुद्ध जो ना बंदा, वो बादशाह का लड़का था, बादशाह का लड़का, और सारी सल्तनत और हुकूमत उसके पास थी, वो नायब था, जानशीन था अपने बाप का, लेकिन वो चैन ही नहीं मिलता था उसको, हुकूमत के मामलात में चैन और सुकून ही नहीं, तो बंदे ने एक दिन छोड़ दी हुकूमत, महल छोड़ दिया, जंगल में निकल गया, और जंगल में वो जो है अकेले में, तन्हाई में वो मुराकबे करता था, ध्यान लगाता था एक अल्लाह की तलाश में, यानी एक खुदा की तलाश में। तो बहरहाल ऐसे बहुत से थे कि जो तौहीद के मानने वाले, और होंगे जो एक अल्लाह के मानने वाले हों, जो किसी को ना मानते हो, आप आज भी देख लेना जैन को,
ये जैन कम्युनिटी है वो कहती है कि भाई जो ईश्वर है ना, ईश्वर वो ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं वो ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कहते जो ईश्वर या परमात्मा है वो निराकार है, वो एक है, एक है, यानी कि इतने सारों को मानने की ज़रूरत नहीं, वो एक है जिसने सारी सृष्टि का यानी कि को तख्लीक किया, पैदा किया है सारे यानी कायनात को पैदा किया, और वो जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई साइज़ नहीं, कोई जिस्म बॉडी कुछ नहीं, वो निराकार है, वो लाइट है, यानी कि नूर है, अल्लाह नूर समावात वलद, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ज़मीन आसमान का नूर, वो कहते हैं अल्लाह यानी कि जो परमात्मा है वो नूर है, एक लाइट है, है ना। आप लोगों ने तो पता नहीं, आप तो मुझसे ज़्यादा उम्र वाले हैं, लेकिन पता नहीं आपकी नज़र से बात गुजरी कि नहीं कि नवसारी स्टेशन पर इन्होंने अपने बोर्ड लगाए थे बाकायदा एक मरतबा अपने दीन की वजाहत के लिए, हाँ सुविचार में, हाँ तो उन्होंने सारी बातें वहाँ वजाहत के साथ कि भाई क्या है खुदा क्या है और ये सारी चीज़ें, हाँ उनकी हदीसें और उनकी बातें हमसे बिल्कुल सेम टू सेम, हमसे मिलती जुलती, इसमें यानी आप उसे पढ़ो कह रहे ये तो हम जैसा मानते वैसा ये भी मानते हैं, हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह के नाम पर नहीं मान रहे हो, और फिर उसके बाद उनमें और भी बहुत सी खराबियाँ पैदा हो गई। लेकिन बहरहाल तौहीद का अकीदा उनका भी है, उनका भी तौहीद का अकीदा है, तो तौहीद मानने वाला तो बहुत है, रब फरमाता है, लेकिन तौहीद सिर्फ काफ़ी नहीं नजात के लिए, हाँ नजात के लिए तौहीद के साथ साथ मेरे महबूब की रिसालत भी ज़रूरी है, उन पर ईमान लाना भी ज़रूरी, और उनकी लाई हुई शरीयत को मानना, अमल करना बाद की बात है, अमल करना बाद की बात है, लेकिन उसे मानना ये ज़रूरी है, इसलिए कि असल जो है ना इस्लाम जो असल है वो है अकायद, असल है अकायद, आमाल असल नहीं है, असल है अकायद, उसे मानो, अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, फरिश्तों को मानना, जन्नत जहन्नम को मानना के है, इसी तरह से अल्लाह के रसूल जो कुछ लेकर आए उसको मान लेना, तस्दीक करना कि अल्लाह के रसूल अपने रब की जानिब से जो कुछ लेकर आए सब हक है, सब सच है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इतना मान लेना ये ईमान के लिए ज़रूरी है, और यही ईमान है, यही इस्लाम है। अब फिर उस पर अमल करना ना करना ये हम पर डिपेंड करता है, अगर हमने अमल किया तो उस पर जज़ा मिलेगी हमें, सवाब मिलेगा, नहीं किया तो उस पर अजाब मिलेगा, वो एक अलग है, वो अलग मामलात हैं, वो फ़ुरआत हैं, अमल जो है वो अलग साइड में, वो यानी फ़रा है, यानी यूँ समझ लीजिए कि एक दरख्त है, तो जो जड़ है ना, जड़ ये है इस्लाम, ये है ईमान, वो एक ही है, और उसके अलावा अब जितनी शाखें उसकी है तो उसमें फिर नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, उसमें लोगों को खाना खिलाना भी है, मेहमान नवाजी भी है, फ़ुकरा मसाकिन की मदद करना, बेवाओं यतीमों का की हेल्प करना, और ये सारे यानी कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, किसी मोमिन को अजियत ना देना, गाली ना देना, ये जितनी बातें हैं वो सब समझो उस दरख्त की शाखें हैं, तो आमाल तो शाखें हैं, अगर वो शाखों में कुछ टूट जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं या सूख जाती हैं, तब भी वो जड़ बाकी है ना, तो फिर कभी कोंपलें फूट आएंगी, फिर कभी वो शाखें पैदा होगी, तो ईमान अगर है, बंदा इस्लाम में है, तो फिर वो यानी कि अभी आमाल नहीं कर रहा है, कभी कर लेगा, हो सकता है उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो, वो अमल करने लग जाए, और ये मिसालें आपकी नवसारी में आपकी निगाहों के सामने ऐसी बहुत सी मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद होंगी, कि एक बंदा था जिसने कभी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं देखा था, वो नमाजी बन गया, पांच वक्त का नमाजी, पाबंदी के साथ पांच वक्त का नमाज़ पढ़ने वाला हो गया, कोई जुआरी था, हमेशा उसकी लाइफ जो जुए में गुजरती थी हमेशा, उसने दीन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आया, उसने जुआ वगैरह छोड़ दिया और नमाज़ पढ़ने लगा, नमाजी हो गया। कोई बंदा शराबी था, शराब पीता था और लगता था ये बंदा कभी सुधरने वाला नहीं, लेकिन वक्त आया वो सुधरा, शराब भी छोड़ दी, पांच वक्त का नमाज़ पढ़ने वाला भी हो गया। तो ऐसे होते हैं इनकलाब आते हैं, तो अब आमा इस्लाम अगर इस्लाम ना हो तो फिर लाख नेकियाँ कर ले, करोड़ों का दान कर दे, कोई फ़ायदा नहीं, हाँ हज़ारों नमाज पढ़ लें, रोज़े रख ले, कोई फ़ायदा नहीं, और अगर इस्लाम है फिर आमाल किए तभी उसका फ़ायदा। तो अल्लाह फरमाता है कि तौहीद के बाद जो अहम चीज़ है वो क्या, इन्नद्दीन इंदल्लाह, तुम तौहीद मानो तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि तुम मेरे महबूब के लाए हुए दीन इस्लाम को ना मान लो,
کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لئے کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں۔ تو اور بھی بہت سے دین، آسمانی دین بھی ہیں اور من گھڑت بنائے ہوئے دین بھی بہت سے ہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ تو دین اسلام۔ اب یہ کہ اگر یعنی کہ بھائی اس پر دیکھیں، سب سے قوی دلیل کہ دین اسلام ہی دین ہے نا، ایک بات کہ بھائی ایک سارے بندے کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا محبوب، وہ ہمارا محبوب۔ اب سب آپس میں لڑ رہے ہیں، نہیں وہ میرا ہے، وہ کہتا نہیں میرا، وہ کہتا نہیں میرا۔ تو کہتے ہیں بھائی لڑائی جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ یہاں لڑائی جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو اس کے پاس اسی سے پوچھ لیتے ہیں تجھے کیا پسند ہے، تجھے کون پسند ہے، وہ جس کا نام لے لے گا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ تو یہاں اتنے سارے دین ہیں، تو خدا کا محبوب اور پسندیدہ دین کون سا؟ کہتے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے پوچھ لیں کہ تجھے کیا پسند ہے، خدا سے پوچھ لیں تجھے کیا پسند۔ اللہ فرماتا ہے مجھے صرف دین اسلام پسند ہے، اور یہ دین اسلام کی حقانیت اور سچائی پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک 1400 سال ہو گئے، آج تک ایک حرف تو دور کی بات، اس کا ایک نقطہ اور زبر زیر پیش نہیں بدلا ہے نا، ایک حرف تک نہیں بدلا، ایک نقطے تک نہیں بدلا۔ یہ اس کی دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر دین اسلام سچا نہ ہوتا، حق پر نہ ہوتا، تو یہ کتاب تبدیل ہو جاتی، یہ چینج ہو جاتی، اس میں پتہ نہیں کتنی من گھڑت باتیں آ جاتی، لیکن ایسا آج بھی محفوظ ہے، 1400 سال ہو گئے اور قیامت تک ہی محفوظ رہے گا۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دین اسلام کی یہ آخری کتاب ہے، اور اس سے پہلے بھی کتابیں تھیں لیکن وہ سب بدلتی گئی اور ان سب کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آخری کتاب آنے والی تھی، تو ان کو بچانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب آخری آئی، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، تو رسول کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا گیا، رسول کی کتاب کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس امت محمدیہ کو بھی عام عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اگلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت زیادہ گناہ ہوتے تھے نا، بہت زیادہ گناہ۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو الٹا کر دو، فلاں بستی کو جا کر الٹ دو، ایسے الٹ دو، وہ یوں ایسے ہو جائے سارا سب صفایا۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے یا اللہ اس میں وہ ایک بندہ، وہ ایک بندہ، وہ تو بڑا نیکوکار ہے، وہ تو تیرا ماننے والا، وہ تو نیکوکار، وہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، تو وہ الٹوں گا تو وہ بھی جائے گا۔ رب فرماتا ہے کہ اسے بھی الٹ دو، اسے بھی الٹ دو ساتھ میں، اس لیے کہ وہ صرف خود ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں دوسروں کو بھی نیک بناؤں، وہ خود ہی نیک ہے، دوسروں کو کبھی۔ تو پوری زمین الٹ دی گئی، یعنی پوری بستی گئی، پوری بستی چلی گئی۔ ایسے تو اگلی امتوں میں ایسا عذاب آتا تھا، عذاب آیا، سارے لوگ بندر بن گئے، جوؤں کا یا پتھروں کی بارش ہوئی، سب گئے، سب ختم، پوری امت گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سب ختم ہو گئے، کوئی باقی بچا ہی نہیں۔ امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر ایسا عام عذاب کبھی نہیں آئے گا، وہ قیامت تک یہ امت باقی رہے گی، دین اسلام بھی باقی رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اور اسی طرح اس کتاب کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، اللہ کے رسول کی زندگی کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ لوگ لاکھ گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، کیریکٹر خراب کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہر دور میں، یعنی وہ برا کہتے ہیں ہم دفاع کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں ان کا، یہ ہمارا کام ہے، ہم امت ہے تو ہمارا کام ہے، لیکن ہر دور میں رسول اللہ کی زندگی پھر چمکے گی، ہر دور میں چمکے گی، وہ جتنا مٹانا چاہیں گے وہ اور زیادہ چمکے گی۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے مٹا دے، بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ تو صبح قیامت تک آپ کی رسالت بھی باقی رہے گی، ہے نا، کتاب بھی باقی، اور یہ امت بھی قیامت تک باقی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے۔ آگے کی اور آیت، ابھی تو یہ آیت نمبر 19 جو ہے ابھی باقی ہے، ابھی اتنی بات ہوئی، ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ، وہ آئندہ ہفتے میں ہم بیان کریں گے، دین اسلام کے تعلق سے کچھ اور باتیں اور دلائل انشاءاللہ اگلے اتوار میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔